नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अकाराबाद तहसील क्षेत्र में रविवार एक महत्वपूर्ण किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में किसानों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। महापंचायत का आयोजन जीटी रोड पुल के नीचे किया गया है, जिसमें किसान सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन और स्थानीय नेताओं के सामने जोरदार प्रदर्शन भी किया। किसानों ने अकराबाद में एक स्वतंत्र तहसील बनाने की मांग की, ताकि स्थानीय प्रशासन की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके। महापंचायत के दौरान किसान सेना के सदस्य और अन्य ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। इस अवसर पर किसान नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी मांगों को स्पष्ट किया और जल्द समाधान की उम्मीद व्यक्त की। भाई साहब, हम अकराबाद क्षेत्र में आए हैं। अकराबाद क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसानों को त्रस्त कर रखा है। चाहे रास्ता हो, चाहे बिजली हो, चाहे गाय हो, चाहे गन्ने की पेमेंट हो, चाहे मिल बंद हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। लोग बाग जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने यहाँ पंचायत रखी है। मांगे हमारी यही रखी गई है, पहले तो सड़क जो है तत्काल प्रभाव से चालू करी जाए। जितने भ्रष्ट ये नालियों पे इन पे घटिया माल लगा रहे हैं और अच्छा माल अपने घर ले जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई होकर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा रहा है। इसके अलावा जो गन्ने की पेमेंट बची हुई है वो तत्काल प्रभाव से मिले, क्योंकि गन्ना मिल तो बहुत टाइम से बंद है, लेकिन हमारी पेमेंट 11 करोड़ रुपए अटकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जब इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो पेमेंट, एक बच्चे का खिलौना कोई नहीं चुरा सकता। यहाँ तो पेमेंट रुकी हुई है 11 करोड़ की। इन विषयों को लेकर हमने यहाँ एक ज्ञापन दिया।